आज मैं आपको बताना सिखाऊंगा टमेटो गार्लिक सेव। ये एक डीप फ्राइड स्नैक है, लेकिन उसमें गार्लिक और टमाटर का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। साथ में कहते हैं डीप फ्राइड आइटम से गैस हो जाती है, तो हम कैरम सीड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अजवाइन का, ताकि आपको गैस ना हो और कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम गार्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए गार्लिक, नमक, कैरम सीड यानी कि अजवाइन, टमाटर, हल्दी, थोड़ा सा मैं खाने के सोडे का इस्तेमाल कर रहा हूँ, साथ में लाल मिर्च पाउडर और बेसन, थोड़ा सा ऑयल और साथ में डीप फ्राई करने के लिए ऑयल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टमेटो गार्लिक सेव। सबसे पहले हमें क्या करना है, टमाटर और गार्लिक का एक पेस्ट बनाना है। तो इसके लिए मैं एक ग्राइंडर ले लेता हूँ और इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर, और साथ ही ऐड करेंगे इसमें 8 से 10 कलियां लहसुन की। और अब इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए अब ये जो बेसन है इसको हम छान लेते हैं। इसमें कोई लंप हो वो निकल जाए। ये बेसन हमारा छन गया है, तो अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1 चुटकी खाने का सोडा, थोड़ा सा अजवाइन, और इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे ये पल्प, थोड़ा थोड़ा करके पल्प ऐड करना है, क्योंकि टमाटर में काफी ज्यादा वाटर होता है, इसलिए पहले थोड़ा पल्प डालें। और इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है हमको, थोड़ा पल्प में और ऐड कर लेता हूं। थोड़ा सा पल्प और जाएगा, बस लास्ट आधा चम्मच, और ये आपका डो तैयार हो गया है। अब क्या करना है हमें, इस डो में थोड़ा हम तेल डालेंगे ताकि ये चिपके नहीं। ये जो डो हमने तैयार किया है ये हम डाल देते हैं इसके अंदर। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, अब हम ये टमेटो गार्लिक सेव जो है इसको फ्राई कर लेते हैं। तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज जैसा आपको चाहिए वैसा आप बना लें और इसको फ्राई करें। और जैसे ही ये फ्राई होने लगेगा तो ये फ्लोट करेगा, और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए आप इसको निकाल लें एक टिश्यू पेपर पर। ये हमारा कलर चेंज हो गया है और अलग अलग शेप और साइज में को निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारी टमेटो गार्लिक सेव। इसी तरह की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुकरी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कुकरी टिप चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई डिश मैं यहाँ पर बनाऊँ तो भी हमें मेल करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम यहाँ पर आपकी डिश जरूर बनाएंगे। तो मिलते रहिए बैचलर्स कुकिंग में।